हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है मटन करी। तो चलिए देख लेते हैं हम इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए हम लेंगे आधा किलो मटन, 3 प्याज जो मैंने लंबे लंबे काट के रखे हैं, गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, तेज पत्ता, खड़ा गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले हम कुकर लेंगे, उसमें हम मटन डाल लेंगे और साथ में हमने जो प्याज काट के रखे थे हम वो भी डाल लेंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे और हमने जो भी खड़ा गरम मसाला लिया था हम वो सब कुछ इसमें ऐड करके हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और फिर हम कुकर का ढक्कन लगा के इसे 3 से 4 सीटी होने तक मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। ध्यान रखें कि इसे 4 सीटी मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं ताकि मटन हमारा ओवर कुक ना हो। 4 सीटी हो गई है, देखिए हमारा मटन जो है वो अच्छी तरह से पक गया है। आप इसे हाथ से प्रेस करके देख सकते हैं। अगर ये नहीं पका हो तो आप इसमें 1 सीटी और लगा सकते हैं। कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और फिर हम उसमें तेल जब हमारा गर्म हो जाए तब हम उसमें 4 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, मैंने 2 टीस्पून लाल मिर्च डाला है, आप क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। नमक आप हल्का ही डालें क्योंकि मटन में हमने नमक डाला था। और लास्ट में हम इसमें हल्दी डालेंगे। इस वक्त गैस का फ्लेम आप लो ही रखें ताकि हमारे मसाले जो है वो जले नहीं। और अब आप इसमें पानी डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छी तरह से मसालों को भून लीजिएगा ताकि हमारा जो मसाला है वो ऑयल छोड़ दे चारों तरफ से। हमारे मसाले अच्छी तरह से भुजा गए हैं, ये ऑयल छोड़ दिया है चारों तरफ से। अब हम इसमें मटन को ऐड कर लेंगे। अभी आप इसमें पानी मत ऐड कीजिएगा, सिर्फ मटन के पीसेस ऐड कीजिएगा और उसे अच्छी तरह से मसालों के साथ 2-3 मिनट के लिए भुज लीजिएगा। हमारे मटन अच्छी तरह से मसालों के साथ भुजा गए हैं। अब हम इसमें जो हमारा कुकर में पानी बचा है वो वाटर हम इसमें ऐड कर लेंगे। नमक आप टेस्ट करके एडजस्ट कर लीजिएगा। लास्ट में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और इसे मिक्स करके हम ढक्कन से ढक के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसे गैस पर चढ़ा देंगे ताकि जो हमारा मटन है वो थोड़ा और फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर ले। 5 मिनट हो गए हैं, देखिए ये हमारा मटन कितनी अच्छी तरह से पक गया है, कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है, कितना सुंदर इसके कलर्स आए हैं। अब हम इस पर धनिया पत्ते से गार्निश कर लेंगे और आप इसे चावल के साथ खाइए या फिर पराठे के भी साथ खाइए, ये बहुत यम्मी लगता है। और प्लीज़ हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कीप शेयरिंग अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।